नमस्कार। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक, विश्व के सबसे बड़े रिचेस्ट मैन, सबसे बड़े धनवान मैन। उन्होंने हाल ही में अभी इंटरव्यू में कुछ बातें कही थी कि काश मुझे 21 साल की उम्र में ये बातें पता होती तो आज मुझे दुख नहीं होता। कुछ ऐसी बातें हैं जो बिल गेट्स कहते हैं कि शायद मुझे 21 साल या 25 साल की उम्र में पता होती तो बहुत अच्छा होता। तो वो बातें क्या हैं जिन बातों को लेकर बिल गेट्स कहते हैं? वो बातें ये हैं। बिल गेट्स कहते हैं कि आपके करियर का कोई भी डिसीजन परमानेंट नहीं होता है। वो कहते हैं कि जैसे जैसे समय बदलता है आपका करियर का डिसीजन भी बदलता रहता है। आप 21 साल की उम्र में ये सोचते हो कि मुझे ये एम अचीव करना है, मुझे ये टारगेट लेना, मुझे ये बनना है। बट बिल गेट्स कहते हैं कि जैसे जैसे समय गुजरता जाता है ना, और जैसे जैसे परिस्थितियां सरकमस्टांसेस आपकी लाइफ में आती जाती है, वैसे वैसे आपके डिसीजन भी बदलते जाते हैं। आपका कोई भी डिसीजन परमानेंट नहीं रहता है, बिल गेट्स कहते हैं। तो कभी जीवन में इस बात का रिग्रेट मत करना कि यार मुझे ये करना था लेकिन मैं ये नहीं कर पाया, मुझे वो करना था मैं वो नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, आप जो करो अच्छा करो और मेहनत करते रहना। आपके डिसीजन आपकी परिस्थिति के अनुसार बदल सकते हैं। बिल गेट्स कहते हैं कि काम ही सब कुछ नहीं है। वो कहते हैं कि मैंने अपने शुरुआती दिनों में, जब माइक्रोसॉफ्ट शुरुआत में शुरू शुरू में चल रहा था, तब मैं खूब काम करता था। रात दिन में अपनी कंपनी के लिए काम करता था, एक दिन की भी छुट्टी नहीं लेता था। और आज जब मैं उन समय को देखता हूं तो उसमें मुझे रिग्रेट होता है कि मैंने छुट्टी क्यों नहीं ली, मैंने अपने परिवार के साथ समय क्यों नहीं बिताया, मैंने अपने लिए समय क्यों नहीं बिताया। बिल गेट्स कहते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। थोड़ा बहुत समय अपने लिए निकालना, थोड़ा बहुत समय अपने परिवार के लिए निकालना, वरना आप इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में बस पैसा ही कमाने लगे ना तो फिर आपको रिग्रेट होगा। जब समय, जब आप ओल्ड एज में आ जाओगे तब आपको रिग्रेट होगा कि मैंने अपने बच्चों के लिए समय क्यों नहीं निकाला, मैंने अपने परिवार के लिए समय क्यों नहीं निकाला, मैंने अपने दोस्तों के लिए समय क्यों नहीं निकाला, और मैंने अपने खुद के लिए समय क्यों नहीं निकाला। बिल गेट्स कहते हैं कि आप छोटी एज से ही, आप 21 से 25 साल के एज में अपना नेटवर्क बढ़ाते जाएं, सर्कल बढ़ाते जाएं। बिल गेट्स कहते हैं जितना आपका सर्कल होगा, जितना आपका नेटवर्क होगा, उतना ज़्यादा आपका बिजनेस ग्रो करेगा, उतना ज़्यादा आप किसी भी फील्ड में ग्रो करते जाओगे। चाहे बिजनेस के फील्ड में हो, चाहे आप जॉब के फील्ड में हो, चाहे आप राजनीति के फील्ड में हो, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, हर फील्ड में आपको सर्कल होना जरूरी है। जितना ज़्यादा सर्कल होगा ना, उतना ज़्यादा आपका रेस्पेक्ट बढ़ेगा, आपका व्यवहार बढ़ेगा, लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करते हैं। तो बिल गेट्स कहते हैं कि शुरू से ही अपना व्यवहार बढ़ाते जाए, अपना सर्कल बढ़ाते जाए। बिल गेट्स कहते हैं कि नई चीज़ें सीखते रहें, छोटी उम्र से ही नई नई चीज़ें सीखते रहें। वो कहते हैं कि पल पल ये दुनिया बदल रही है, पल पल समय बदल रहा है। अगर आप पुरानी चीज़ों में ही रहोगे तो दुनिया तो बदल रही है, दुनिया के बदलने के साथ में बिल गेट्स कहते हैं खुद को भी बदलिए। अगर आप दुनिया के साथ में खुद को नहीं बदलोगे तो आप पीछे रह जाओगे औरों से, नई जनरेशन आपसे आगे निकल जाएगी। तो कुछ भी जो भी आपको मिले नया नया सीखते रहे। कभी ये मत कहना कि यार अब तो मेरी उम्र नहीं है सीखने की। नहीं, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, हर चीज सीखते रहे। अगर आप नहीं सीखोगे ना तो आप इस बदलती दुनिया में पीछे रह जाओगे और आपकी नई जनरेशन आपसे आगे निकल जाएगी। बिल गेट्स कहते हैं कि दूसरों की मदद भी करते रहे। बिल गेट्स कहते हैं मैंने शुरुआती दिनों में अपनी आधी जिंदगी तो ऐसे ही निकाल दी, मैं खूब मेहनत करता, खूब पैसे कमाता, लेकिन कभी किसी की मदद नहीं करता। लेकिन आज मैं इस एज में खूब मदद करता हूँ लोगों की, खूब पैसे डोनेट करता हूँ और अपने बारे में नहीं सोचता हूँ, मैं कुछ गरीब लोगों के बारे में भी सोचता हूँ। तो बिल गेट्स कहते हैं कि दूसरों की मदद करना मत भूलना। अगर भगवान ने आपको सक्षम बनाया है, अगर आप सक्षम हो तो लोगों की मदद करिए। यही मदद लोगों का दिल जीतेगी और आपके मन में संतुष्टि होगी। तो बिल गेट्स कहते हैं कि ये बातें अगर मुझे 21 साल 25 साल की उम्र में पता होती तो शायद और अच्छा होता। तो आप भी इन बातों को ध्यान रखना,
कहीं उम्र गुजर जाने के बाद में आपको रिग्रेट ना करना पड़े।